ठीक है, ये स्लाइड नजर आ रही है हम लोग को। यस सर, देख रही है। ठीक है, चलो मैं अपनी पुरानी क्लास को यहीं तक के छोड़ के गया था जहां इफेक्टिव लोड के बारे में बात कर रहा था, जिसमें मैक्सिमम टॉर्क डिवाइड बाय रेटेड टॉर्क के बारे में बात कर रहा था। तो ये जो आपका जो इसका जो है रेटेड सर्विस फैक्टर जो सीएस होता है, जो कि एमटी मैक्स अपॉन एमटी दिया रहता है, ये अगर जो भी है नहीं भी दिया है तो आप डेटा बुक से क्या कर सकते हो, सर्विस फैक्टर को डेटा बुक के अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर सकते हो। आपको डेटा बुक की इस क्लास में एक प्रॉब्लम बताने के बाद मैं आपको डेटा बुक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म अगर ये क्रॉस चेकिंग करते हैं वर्किंग कॉन्टेंट, तो सीए सर्विस सेक्टर जो है 1 है, 1.2 है, 1.25, 1.75 ले सकते हैं सर्विस सेक्टर उसके अकॉर्डिंग। तो कंडीशन दी रहती है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं डेटा बुक में दिया रहता है। तो आते हैं गियर डिजाइन के बारे में, क्लास छोड़ करके रखा था, क्लास मेरी एंड हो गई थी, तो गियर डिजाइन देखते हैं। गियर डिजाइन में ये जरूरी होता है कि डायनेमिक फोर्स को हम लेकर के हम गियर डिजाइन मद्देनजर रखते हुए डायनेमिक फोर्स जो है उसको कंसंट्रेट करते हुए लेकर के हम डिजाइन करें। तो डायनेमिक लोड के टाइम पे दो प्रकार की स्टेजेस में इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो गियर डिजाइन। ठीक है, तो डायनेमिक लोड के बारे में बात कर रहा था। डायनेमिक लोड में दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक तो प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन इन्वॉल्व होता है और एक आपका बकिंघम इक्वेशन फाइनल स्टेज ऑफ गियर डिजाइन होता है। तो इसमें देखो, जब हम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द डायनेमिक लोड तो डिफिकल्ट है उसको कैलकुलेट करना प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन में, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए जो डिफिकल्टी है, एक सर्विस फैक्टर वेलोसिटी फैक्टर और सीवी के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है, बार्स इक्वेशन यूज किए जाते हैं। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जब मैं आपको बताऊंगा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेटा बुक में भी बताऊंगा ये सीवी कहाँ दिया हुआ है। तो वेलोसिटी, अगर पिच लाइन वेलोसिटी लेस देन 10 मीटर पर सेकंड है तो ये सीवी का फॉर्मूला यूज होगा। पिच लाइन वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकंड से लेस देन है तो ये फॉर्मूला यूज होगा सीवी का। अगर पिच लाइन वेलोसिटी 20 से ग्रेटर देन, अगर 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा दिया हुआ है, या पिच लाइन वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करने पर 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा आता है तो आप ये सीवी का फॉर्मूला ये यूज करोगे। तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब देखो पिच लाइन वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे होगा, पाई डी डैश एन बाई 60 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर पिनियन है तो डी डैश पी, ये पी सर्कल डायमीटर जो है, ये एम जेड पी जो होता है एम इंटू मॉड्यूल इंटू जेड इंटू पी, मॉड्यूल इंटू जेड पी जो होता है, मॉड्यूल इंटू जेड पी जो होता है नंबर ऑफ द टीथ जो है मॉड्यूल का मल्टीप्लीकेशन करने पर, वो उससे ये डी डैश फाइंड आउट हो जाएगा। रोटेशनल आरपीएम पिनियन के लिए दिया हो, अगर डिसाइड कर लिए हो दोनों में से गियर में वीकर अगर पिनियन है तो पिनियन के लिए डिजाइन स्टेप फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से एनपी हो जाएगा रोटेशन आरपीएम, यहाँ से वी वेलोसिटी मिल जाएगी। ये जो वी वेलोसिटी मिलेगी उससे आप यहाँ पर इस वी को यहाँ पुट करोगे तो सीवी मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये इफेक्टिव लोड अगर कैलकुलेट करना है तो सी एस इंटू पीटी, ये सर्विस फैक्टर जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय रेटेड टॉर्क जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपके पास, वहां से आप यहाँ पर सी एस पुट अप करोगे, पीटी जो दिया रहेगा। पीटी कैसे फाइंड आउट करोगे, आप फोर्स एनालिसिस में चेक कर चुके हो कि 2 इंटू एम टी डिवाइड बाई पिच सर्कल डायमीटर जो है, जो फोर्स एनालिसिस में पीटी जो है उससे फाइंड आउट कर सकते हो। तो वहां से आपका पीटी मिल जाएगा, तो यहाँ से इफेक्टिव मिल जाएगा। तो ये जो आपका जो अगर बोल रहा है कि बकिंघम डायनेमिक लोड को के थ्रू कैलकुलेट करो, तो आप यहाँ से सी एस इंटू पीटी प्लस पीडी लोगे, जहां पर पीडी जो है वो आपका डायनेमिक लोड है क्योंकि एडिशनल लोड है ड्यू टू द डायनेमिक क्राइटेरियन बिटवीन द टू मशीन टीथ। तो ये जो पीडी का है, ये फॉर्मूला भी आपको मैं डेटा बुक में लास्ट क्लास में बताते जाऊंगा इसी क्लास के एंड पर। ये पीडी डेटा बुक में दिया हुआ था 21 वेलोसिटी, यहाँ पर पिच लाइन वेलोसिटी इंटू सी इंटू बी इंटू एरर दिया हुआ है, प्लस पीटी करोगे डिवाइड बाय 21 वेलोसिटी प्लस रूट ओवर सी इंटू ई इंटू बी प्लस पीटी करोगे तो बकिंघम डायनेमिक लोड निकल जाएगा। और ये यहाँ पर पीडी को यहाँ पुट करोगे, सी एस इंटू पीटी प्लस पीडी में पुट करोगे तो इफेक्टिव मिलेगा। और ये जो आपका जो इफेक्टिव है उसको आप क्रॉस चेक करोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये आपका बकिंघम डायनेमिक लोड होगा। यहाँ पर देखो ये सी जो आया हुआ है, यहाँ पर जो सी जो ये इन्वॉल्व हो रहा है डिफॉर्मेशन फैक्टर, और ई जो है सम ऑफ द एरर बिटवीन द टू मशीन टीथ, पी जो है वो फेस विड्थ ऑफ द टूथ है, ये बी जो है फेस विड्थ ऑफ द टूथ है, पीटी जो है वो टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू द रेटेड टॉर्क है। ये जो सी है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये सी के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी डेटा बुक में दिया हुआ है। तो डिफॉर्मेशन फैक्टर है, इसको आप डायरेक्टली आप सी को यहाँ पर क्या होगा, सी इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 1/EP + 1/EG करोगे। तो यहाँ पर के जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ द
टूल जो है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट के है, ईपी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द पिनियन मटेरियल, ईजी जो है गियर इसे पुट अप करोगे तो सी निकलेगा जिसको आप यहाँ बकिंगम डायनेमिक लोड में आप अप्लाई करोगे, ये सी यहाँ पर मिल जाएगा। इधर देखो ये वैल्यू ऑफ द के क्या है, वेरियस वेरियस फॉर्म्स, जो अगर आप 14.5 फुल डेप्थ टीथ के लिए यूज कर रहे हो के तो 0.107 है, अगर 20 डिग्री फुल डेप्थ है तो ये थोड़ा याद रखना कि के का वैल्यू 0.111 लेते हैं 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए, यहाँ से के आप एडॉप्ट कर सकते हो। आपका देखो ये जो है आपका रेडीमेड वैल्यू ऑफ द सी जो है आप यहाँ से डेटा बुक में दिया हुआ है, आप नहीं कैलकुलेट करना चाहते के अपॉन ईपी प्लस ईजी तो डायरेक्टली आपको डेटा बुक में दिया हुआ सी की वैल्यू, ये सी को आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हो बकिंगम डायनेमिक में। डेटा बुक में इस तरह का चार्ट दिया हुआ है कि 14.4 मैं आपको बताऊंगा ये डेटा बुक में सी के लिए ग्रे कास्ट आयरन के लिए यहाँ से फुल डेप्थ के लिए अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हो। तो सी जो है आपका सर्विस फैक्टर जो है, ये जो आपका जो सी जो है डिफॉर्मेशन फैक्टर जो है उसको आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ये ई और जो ये जो ई होता है यहाँ बकिंगम डायनेमिक लोड में स्मॉल ई जो है वो आपका एरर होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ये एरर का एक ग्राफ है आपका डेटा बुक में, वहां से आप एरर को चूज कर सकते हो कितना लेना है, ठीक है। ये हुआ इतना, ये था आपका सेकेंड स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन। यहाँ देखो डायनेमिक लोड को दो भाग में डिवाइड किया, दो भाग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है फाइनल स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन जिसमें बकिंगम इक्वेशन होता है, और एक होता है प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन। आगे देखते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन क्या होता है। यहाँ देखो एस्टिमेशन ऑफ द मॉड्यूल, प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन में आपको मॉड्यूल को एस्टिमेट करना पड़ता है, फिर जो मॉड्यूल निकलता है उसको आप क्रॉस चेक ट्रायल इन एरर मेथड से उसको क्रॉस चेक उसको करते हो कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। पहले देखते हैं कि मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या बना हुआ है। तो देखो यहाँ इन ऑर्डर टू, अगर हम मॉड्यूल को बीम स्ट्रेंथ को लेकर के अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, पहला स्टेप है बीम स्ट्रेंथ। अगर मान लो मॉड्यूल में बीम स्ट्रेंथ को लेकर के चल रहा हूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो बीम स्ट्रेंथ होता है पी इफेक्टिव इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको लास्ट में बीम स्ट्रेंथ डिवाइड पी इफेक्टिव से डिवाइड करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्रॉस चेक करोगे। यहाँ से देखो मॉड्यूल का जो ये फॉर्मूला है, ये पी इफेक्टिव यहाँ पर देखो पी इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहला हो गया, फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए फॉर्म जो रिकमेंडेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.5 से लेकर के 2 के बीच में आना चाहिए अगर क्रॉस चेक कर रहे हो तो। तो देखो पीटी जो है क्या होता है 2 इनटू एमटी डिवाइड बाय डीएस होता है, ये 2 डिवाइड बाय डीजेड यानी कि एमजेड होता है, और एमटी यानी कि 16 × 10⁶ किलोवाट डिवाइड बाय 2πn होता है। फिर ये पीटी को सीएस अपॉन पीटी में पुट करोगे तो ये टर्म आएगा 16 × 10⁶ डिवाइड बाय पाई इनटू किलोवाट सीएस सर्विस फैक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूल इनटू जेड इनटू नंबर ऑफ द रोटेशनल सीवी, ये इक्वेशन नंबर पी इफेक्टिव मिलेगा। और इस पी इफेक्टिव को और ये जो आपका जो पीटी है उसको आप यहां पुट कर दोगे एस बी, यहां पर बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, मॉड्यूल इनटू बी इनटू सिग्मा बी इनटू वाई, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर पुट अप करोगे तो यहां से बी बाई एम टर्म करोगे, ये मॉड्यूल का स्क्वायर डिवाइड बाय बी बाई एम एस यू टी अपॉन 3 इनटू वाई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और इन तीनों इक्वेशन को अगर आप एक साथ अरेंज करोगे, अरेंज करने के बाद मॉड्यूल का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 16 × 10⁶ डिवाइड बाय पाई ब्रैकेट में किलोवाट सीएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय जेड एन सीवी। ये सब सारा जो तीन इक्वेशन है ये आप या तो आप इन तीनों इक्वेशन को याद रख करके ध्यान में रख करके इस मॉड्यूल को जनरेट करो, या फिर इस मॉड्यूल को आप ध्यान में रखो कि मॉड्यूल अगर हम बीम स्ट्रेंथ के लिए चेक करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। ये आप मॉड्यूल को आप इन तीनों इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो जो कि डेटा बुक में गिवन है। ये आपके दिमाग में रहता ही होगा कि 2 × mt डिवाइड बाय d1 करोगे तो उससे ये फॉर्मूला का टर्म आ रहा है, ये pt को आप cs अपॉन cv में पुट करोगे तो ये टर्म आ रहा है, और ये p इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहां पुट अप करोगे तो sb के टर्म में पुट अप करोगे, यहां से इन सब को एक साथ रखने पर मॉड्यूल का ये फॉर्मूला आ रहा है। जब हम प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन करते हैं तो हमको ये मॉड्यूल कैलकुलेट करना होता है, ये पहला स्टेप होता है। ये देखो अब ये था मॉड्यूल बेस्ड ऑन द बीम स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन द वियर स्ट्रेंथ क्या है, अगर वियर स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो SW इज इक्वल टू P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहला टर्म है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होना चाहिए 1.5 से लेकर 2 के बीच होना चाहिए। अगर P इफेक्टिव ले रहा हूं तो देखो ये P इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या था, CS अपॉन CV PT था, तो उसी से यहां पर कैलकुलेट करने पर ये P इफेक्टिव इसके टर्म में मॉड्यूल इनटू जेड इनटू CV के टर्म में आ गया, ये P इफेक्टिव मिला, ये SW मिला। और ये जो बी वियर स्ट्रेंथ है, ये वियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है BQ DP-K, उसको मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ से ये SW का यहाँ पर किसके टर्म में आएगा, तो अगर मैं वियर स्ट्रेंथ कंसिडर कर रहा हूँ तो मॉड्यूल का फॉर्मूला ये है, अगर मैं बीम स्ट्रेंथ कंसिडर कर रहा हूँ तो मॉड्यूल का फॉर्मूला ये है, जो कि आपके प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन में काम आएगा।
प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन काम आ जाए, उसके बाद फिर आपको क्या करोगे, फाइनल स्टेज में आप क्रॉस चेक करते हो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दैट इज इक्वल टू एस डब्ल्यू डिवाइड बाई पी इफेक्टिव करने पर, या यहाँ देखो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है बीम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई पी इफेक्टिव करोगे, ये आप जब पहला स्टेज में आप मॉड्यूल को चेक करोगे, दूसरा स्टेज में आपको बार्ट फॉर्मूला में जो दिया हुआ है उसके स्टेप को फॉलो करोगे पी इफेक्टिव को, और वहां से उसके बाद फिर अगर ये जो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ट्रायल एंड एरर में जो माने थे जिसके अकॉर्डिंग आपने मॉड्यूल को चूज किया था उसको आप यहाँ पर पी इफेक्टिव के आप पुट अप करोगे बीम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय पी इफेक्टिव, तो वहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1.5 से लेकर के 1.5 से लेकर के 2 के बीच में आता है तो आपका सेटिस्फैक्ट्री डिजाइन होगा। देखो ये वियर स्ट्रेंथ जो है गियर टूथ का कहां से है, वियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यहां पर, अगर वियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स हो जाए तो टूथ कैन बी ट्रांसमिट विदाउट पिटिंग फेलियर, जो ये जो फोर्स है टूथ जो अप्लाई करेगा फोर्स जो वियर जो स्ट्रेंथ होगी टूथ की जो गियर टूथ की SW इज इक्वल टू BQDP-K होगा। ये बकिंगम इक्वेशन ऑफ द वियर के लिए आपको यहां पर जो यूज होने वाला फॉर्मूला, ये वियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू यहां पर क्या है 2 into ZG डिवाइड बाय ZG माइनस ZP है, यहां पर K क्या है, K लोड स्ट्रेस फैक्टर है, K इज इक्वल टू अगर स्टील के लिए चेक कर रहे हैं 20 डिग्री प्रेशर के लिए तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.16 BHN का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहां पर ये हो जाएगा, और अगर अदर केस में अगर आपके पास ये डिवाइड नहीं, ये आपको डिस्क्राइब नहीं किया है कि अगर गियर आर मेड ऑफ बोथ द गियर आर मेड ऑफ स्टील नहीं है, अगर 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 बोथ द स्टील में अगर मेड ऑफ नहीं है अगर गियर जो है दोनों जो गियर है तो आप के का वैल्यू ये चूज करोगे जहां पर E1 इज इक्वल टू इतना है, अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री है, सिग्मा सी इज इक्वल टू इतना है, तो यहां से के का फॉर्मूला ये है, इस के को इस क्यू को यहां पुट करोगे तो वियर स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ये वियर स्ट्रेंथ चेक करने का है, ठीक है। ये वियर स्ट्रेंथ जो है इस मॉड्यूल के एस्टिमेशन में डेरिवेशन में यूज हुआ है, जब यहां पर अगर मैं मॉड्यूल जो अकॉर्डिंग है प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन में ये मॉड्यूल चेक करना होता है जिसमें मैंने बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये बताया, अगर मैं वियर स्ट्रेंथ ले रहा हूं तो उसमें यहां पर SW इज इक्वल टू BQDP-K होता है, और ये क्यू जो है आप यहां से ये मॉड्यूल को यहां पुट अप करोगे तो क्यू और के फॉर्म में आएगा, ये जो क्यू है आप यहां से ये 2ZG / ZG - ZP से निकालोगे, अगर ये के की वैल्यू क्या है बोथ द गियर आर मेड ऑफ द स्टील है, अगर दोनों गियर स्टील के बने हुए 20 डिग्री प्रेशर एंगल है तो K का फॉर्मूला क्या होता है 0.16 × BHN / 100 का होल स्क्वायर, या नहीं तो अगर अगर ये दोनों इस कंडीशन को फॉलो अप नहीं करते हैं तो अदर केस में ये सिग्मा सी का स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा 1/E1 + 1/E2 और E1 E2 की वैल्यू ये दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा सी वैल्यू दी हुई है, ये गियर डिजाइन में यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोग क्लास समझ में आया आपको? Yes, समझ में आया कि क्लास में यहां तक के? हाँ सर। चलो ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ पेयर ऑफ द स्पर गियर विद अ 20 डिग्री फुल डेप्थ इन वॉल्यूम टीथ बेस्ड ऑन द लुईस इक्वेशन बोल रहा है। The velocity factor is to be used to account the dynamic load. Dynamic load के लिए velocity factor को भी लेकर के चलना है यहाँ पर। The pinion shaft is connected to 10 kilowatt. Pinion shaft connected कर रहे हैं और 10 kilowatt बता रहा है। 440 rpm पे ये motor rotate हो रहा है यहाँ पर। Pinion जो है। The starting torque of the motor is 150% of the rated torque दिया हुआ है। स्टार्टिंग टॉर्क और रेटेड टॉर्क का जो रेशियो है वो 150% दिया हुआ, यानी कि 1.5 ले सकते हैं। अगर आप 150 को डिवाइड कर दोगे 100 से तो 1.5 ही होगा। स्पीड रिडक्शन इज कितना गिवन है, 4:1 स्पीड रिडक्शन दिया हुआ है, यानी कि I इज इक्वल टू ZP / ZG / ZP कर सकते हैं। तो यहाँ से स्पीड ऑफ द रेशियो दिया हुआ स्पीड रिडक्शन का 4:1। पिनियन एज वेल एज द गियर इज मेड ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील। पिनियन और गियर दोनों सेम मटेरियल है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों का सेम मटेरियल के हूं तो आप किसको डिजाइन करोगे, पिनियन को डिजाइन करोगे। यहाँ मटेरियल दिया हुआ 40C8, SUT दिया हुआ 600 rpm, या ब्रैकेट में यानी कि SUT दिया हुआ, सिग्मा बी फाइंड आउट कर लोगे SUT/3 से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी टेकन एज 1.5 दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंडेटरी कर दिया कि 1.5 है। डिजाइन करो गियर, स्पेसिफाई करो डायमेंशन ऑफ द सजेस्टेड सुटेबल सरफेस हार्डनेस, सरफेस हार्डनेस भी सुटेबल को सजेस्ट करो कितना है।
तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट आउट कर लेते हैं, किलो वॉट में कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, एन आरपीएम दिया हुआ 1440 आरपीएम दिया हुआ, आई इज इक्वल टू दिया हुआ 4, एस यू टी गिवन है, स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ 600 दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दिया हुआ है, स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 दिया हुआ, डिवाइड बाय रेटेड टॉर्क है। तो क्या करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल करेंगे, पहला स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का एस्टिमेशन कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करोगे, बोथ द गियर मेड ऑफ द सेम मटेरियल है, इसलिए हम पिनियन को डिजाइन करेंगे। डिजाइन करते समय प्रेशर एंगल 20 डिग्री है, तो मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास में फॉर्मूला में बताया था कि जेड मिनिमम बाई जेड मिनिमम इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री प्रेशर एंगल है, तो यहाँ से 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा से यहाँ से आप 17.09 मिल जाएगा। तो जेड पिनियन हम मान लेते हैं कि 18 है, राउंड फिगर में हम इसको जेड पिनियन को 18 मान लेते हैं। अगर जेड पिनियन दिया हुआ तो गियर रेशियो दिया हुआ था, गियर रेशियो इज इक्वल टू जेड जी डिवाइड बाई जेड पिनियन होता है, और जेड जी इज इक्वल टू गियर रेशियो जो दिया हुआ आई इंटू जेड पी कर देते हैं, आई कितना गिवन है 4 दिया हुआ है, 18 आपका जेड पी निकाले हो आप यहाँ से अल्फा एंगल के बेस पर, फॉर्मूला के बेस पर, ये फॉर्मूला के बेस पर ये निकला, तो जेड जी कितना मिल गया 72 मिल गया, ये जेड जी मिल गया, जेड पी मिल गया, 18 और 72 है जेड जी का है, 18 जो है पिनियन का है। अब देखो एम टी कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पिनियन वीकर है क्योंकि दोनों में सेम मटेरियल है, और सेम मटेरियल में मैंने आपको ये बताया था कि अगर दोनों सेम मटेरियल के होते हैं तो आप जो छोटा गियर है उसको डिजाइन करोगे क्योंकि उसके टूटने की संभावना ज्यादा होती है, तो आप पिनियन को बचाओगे। पिनियन का कितना दिया हुआ है, एम टी इज इक्वल टू 60 × 10⁶ किलो वाट में दिया हुआ है, किलो वाट में पिनियन कितना अफोर्ड कर रहा था, 10 किलो वाट डाल रहा था, 10 किलो वाट यहाँ पुट अप करोगे, 2π NP में आरपीएम कितना दिया हुआ है, किसका 1440 आरपीएम दिया हुआ है, तो यहाँ से एम टी निकल जाएगा, एम टी निकल गया। अगर देखो यहाँ पर लुईस फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर 18 टीथ दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा आपको डेटा बुक में कहाँ पर है, ये 18 टीथ अगर दिया हुआ है तो लुईस फॉर्म फैक्टर जो है वाई कैपिटल वाई कितना लोगे, वहां पर जब क्रॉस चेक करोगे तो 0.308 आएगा, वाई निकल गया। अभी हमारा एम टी निकला, वाई निकला, सी एस भी निकाल लेते हैं इसी के चलते। सी एस कितना, स्टार्टिंग टॉर्क बाई रेटेड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क और रेटेड टॉर्क पे यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 150% ऑफ रेटेड टॉर्क, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, यहाँ से सी एस इज इक्वल टू 1.5 आ गया। अब वेलोसिटी फैक्टर जो बाहर तक जो फॉर्मूला है मैंने आपको बोला था उसको इवेल्यूएट करोगे, तो एस वी जो है हम यहाँ पर अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो एज्यूम कर लेते हैं कि 5 m/s लेस देन जो है यहाँ पिच वेलोसिटी जो है 5 m/s है, कुछ जो आपको एज्यूम भी करना पड़ेगा, यहाँ पर पिच टाइम वेलोसिटी वी जो है 5 m/s कंसिडर कर रहे हैं, अगर 10 m/s से है तो हम मान के चलते हैं कि वो 5 m/s के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है, इंजन की वेलोसिटी लेस देन 10 m/s है, हमने 5 ले लिया, तो सी वी इज इक्वल टू 3/3 + v, आप चाहो तो 6 भी ले सकते हो, आप चाहो तो आप यहाँ पर 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, यहाँ से 3/3 + v कर दोगे, 3/3 + v से 3/3 + 5 हो जाएगा, 3π 8 आ जाएगा सी वी की वैल्यू, सी वी आ गया, सी एस आ गया, ये सी एस आ गया, यहाँ से y मिल गया कैपिटल y 0.308 मिल गया, एम टी मिल गया, जेड पी मिल गया, जेड जी मिल गया, ये मॉड्यूल के फॉर्मूले में पुट अप करोगे जो कि आपका प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन है, जो इसका प्रीलिमिनरी स्टेज है, यहाँ 60/10⁶ करोगे, किलो वाट पुट करोगे, सी वी पुट करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पुट करोगे, जेड पी एन पी सी वी, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला देख लेना, यहाँ पर मॉड्यूल का, यहाँ पर मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या है, ये सी वी है, यहाँ सी एस है, देखो ये मॉड्यूल जो है बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जो बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं चूज कर रहा हूँ लुईस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये सी एस है, यहाँ पर ये सी एस हो जाएगा, ये सी एस यहाँ पुट करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पुट करोगे, जेड पी एन पी यहाँ से बी बाई एम पुट करोगे, बी बाई एम क्या ले सकते हो, जो मैंने आपको बताया था फेस विड्थ का जो है 8 से लेकर 12 के बीच में बी बाई एम की वैल्यू होती है, जनरली 10 लिया जाता है तो बी बाई एम की वैल्यू 10 होगी, सी वी की वैल्यू 3/8 होगी, एस यू टी क्वेश्चन में गिवन है 600/3, वाई जो है लुईस फॉर्म फैक्टर है 0.308 टू द पावर 1/3 करोगे तो यहाँ से मॉड्यूल कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमारा प्रीलिमिनरी डिजाइन स्टेप है। अब ये जो मॉड्यूल है उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से हम मान के लेकर के चलते हैं जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी में सेटिस्फाई करेगा। चलो हम मान के चलते हैं कि मॉड्यूल हम 5 ले लिए, अराउंड 4.16 mm के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कितना लिए, मॉड्यूल इज इक्वल टू 5 mm, तो डीपी डैश जो है पिनियन के लिए पी सर्कल डायमीटर कितना है,
मॉड्यूल इनटू जेटपी, यानी कि 5 इनटू 18 हो गया, यानी कि 90 mm हो गया। फिर डीजी डैश फाइंड आउट करोगे तो डीजी डैश पी सर्कल डायमीटर का कितना हो जाएगा, मॉड्यूल इज इक्वल टू 5 इनटू 72, यहां से 360 mm निकल जाएगा। फेस विड्थ बी जो है 10 मॉड्यूल होता है, या मान के चलते हैं बी इज इक्वल टू 10 10 इनटू मॉड्यूल, या बी बाय एम इज इक्वल टू 10 होता है, तो बी बाय एम के हिसाब से यहां पर 10 मॉड्यूल। अब पीटी यहां फाइंड आउट करोगे, पीटी यानी कि 2 इनटू एमटी डिवाइडेड बाय डीपी डैश, यहां से MT को मैंने कैलकुलेट किया 6314.56 डिवाइड बाय DP डैश, यहां कैलकुलेट करोगे ये 90 है पुट अप की, तो PT निकल गया, ये PT निकल गया, उसका वेलोसिटी निकालोगे पिच लाइन वेलोसिटी, तो DP डैश NP से यहां से पिच लाइन वेलोसिटी निकल जाएगी। फिर CV चेक करोगे 3/V+ से, ये जो वेलोसिटी जो आपने यहां DP जो है पिनियन का मान के चले 90, NP जो मान के चले 440, इसके अकॉर्डिंग जो V वेलोसिटी जो आई है उस वेलोसिटी को 3/3+V, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर ये क्रॉस चेकिंग के लिए जो मॉड्यूल के लिए फार्मूला यूज किए थे CV, उसके लिए 3/3+V सेलेक्ट किए थे, तो यहां पे CV जो होगा 3/3+V लेंगे, यहां से आपका CV निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गया, तो इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद का यार, चलो ठीक है, ये समझ में आया आपको, यस सर। तो यहां से आप सीवी से पी इफेक्टिव निकालोगे, तो ये जो है मैं एक मिनट थोड़ा रुको, मैं थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसके आगे आप यहां से पी इफेक्टिव निकालोगे, जिसमें सी एस अपॉन सीवी करोगे उससे पीटी निकलेगा, तो P effective निकलेगा, और P effective निकलने के बाद SB is equal to, देखो यहाँ पर क्या है आपका जो ये जो SB है यहाँ पर देखो ये जो SB था कहाँ गया आपका SB, ये SB P effective SB calculate करोगे, SB के लिए क्या आप चेक करोगे, SB के लिए आप यहाँ पर ये satisfy करोगे SB के लिए कहाँ गया SB, SB is equal to ये, फिर M into B is value और sigma B into Y पे यहाँ put up करोगे, यहाँ से SB निकलेगा, और ये जो SB निकलेगा उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से चेक करोगे, दैट इज SB डिवाइड बाय P इफेक्टिव से, तो उससे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2.14 आता है। तो वो जो है यहाँ एक स्लाइड छूट गई है, वो स्लाइड मैं आपको क्लास में बता दूंगा। तो ये क्लियर हुआ आपको कि थोड़ा डाउट है, क्लियर है सर? चलो ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ वो स्लाइड कहाँ छूट गई है यार, 14 तक ही है यहाँ पर, चलो स्लाइड छूट गई है यार, चलो ठीक है। तो ये जो है डिजाइन स्टेप को मैं आपको इस क्वेश्चन में मॉड्यूल निकालने के लिए आपको एग्जाम में दूंगा, ये जो मॉड्यूल तक की जो मैं आपको पढ़ाया हूँ वो मैं आपको एग्जाम में दूंगा, तो ये मॉड्यूल निकालते बन जाएगा आपका, यस सर। तो देखो ये जो आपका जो यहाँ से जो मैंने आपको निकाल के दिखाया हूँ, ये जो आपका जो यहाँ से सीवी निकला हुआ है, और ये जो सीवी निकला यहाँ से, सीवी को आप यहाँ से सी एस अपॉन सीवी में पुट करोगे, और सी एस आपको 1.5 दिया हुआ है, और सीवी यहाँ से 3/8 है, उसको इस पीटी यहाँ पर देखो पीटी में आप पुट अप करोगे, पीटी में तो यहाँ से पीटी जो है वो आप कहाँ पर, यहाँ से क्या निकला, पीटी इज इक्वल टू 2 इंटू एम टी बाई डी पी, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हूँ कि बीम स्ट्रेस पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस अपॉन सी वी इंटू पीटी होता है, और सी एस अपॉन सी वी इंटू पीटी, यहाँ से पीटी मिल गया, सी वी मिल गया, और सी एस जो है यहाँ से मिला हुआ है, सी एस इज इक्वल टू 1.5, इन तीनों को आप पी इफेक्टिव में पुट अप करोगे तो वहां से पी इफेक्टिव निकलेगा, और वो जो आपका जो है इफेक्टिव को बीम स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दोगे पी इफेक्टिव से, यहां से पी इफेक्टिव निकलेगा और उसको बीम स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दोगे, बीम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ, बीम स्ट्रेंथ m इनटू b इनटू sb इनटू y लोगे, यहां पर देखो मैं आपको ये फार्मूला बता, स्लाइड छूट गई इसका नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको देखो ये आपको मैं ये बता रहा हूं
ये देखो ये बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एम इंटू बी लुईस फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग एम इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू वाई है और सिग्मा बी जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाई टू करोगे 600 डिवाइड बाई टू करोगे तो उससे आपका सिग्मा बी निकलेगा। वाई जो है आपको मैं अभी बता रहा हूँ डेटा बुक में दिया हुआ है उसको यहाँ वाई और सिग्मा बी को यहाँ पुटअप करोगे और बी को बी इज इक्वल टू जो है यहाँ पर आपका फेस फिट बी इज इक्वल टू कितना है 10 लेते हैं जनरली तो 10 पुटअप करोगे और मॉड्यूल जो है वो आपने कितना कंसिडर किया है 5 कंसिडर किया है कैलकुलेट करने पर मॉड्यूल कंसिडर किया है दैट इज इक्वल टू कितना है वो आपका एस बीम स्ट्रेंथ है वहां से निकलेगा। तो ये जो बीम स्ट्रेंथ जो निकलेगा उसको आप पी इफेक्टिव इन तीनों के कैलकुलेशन से जो पी इफेक्टिव निकलता है उस पी इफेक्टिव को बीम स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दोगे जो एस बी को डिवाइड कर दोगे पी इफेक्टिव से तो उससे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2.14 आएगा। तो ये जो 2.14 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है यहाँ देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5 से लेकर के मैं आपको बताया भी हूँ यहाँ पर जब मैं आपको बता रहा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिकमेंडेड फ्रॉम द 1.5 से लेकर के 2 तक के और 2 तक के जो भी आ रहा है 2 तक के जो आ रहा है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी और 1.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी कि ये दोनों जो है तालमेल में सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि 1.5 से लेकर के 2 के बीच फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों जो है तो ये इसके पास इस रेंज के अकॉर्डिंग आना चाहिए 1.5 से लेकर 2 के बीच में। तो उससे आपका डिजाइन क्या होगा कि जो आपने मॉड्यूल लिया हुआ है वो आपका सही है। मान लो अगर आपने यहाँ पर जो है मैंने अगर यहाँ पर मॉड्यूल लिया हूँ देखो अगर मॉड्यूल को कैलकुलेट किया सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेप्स है कि मॉड्यूल को कैलकुलेट करना है और सेकेंड स्टेप में आपको मॉड्यूल को लेते हुए क्रॉस चेक करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है समझ रहे हो। कुछ समझ रहे हो क्लास में इस्माइल अंसारी? यस सर। वो समझ रहे हो इसको तो इसको मैं आपको मिड टर्म एग्जाम में मॉड्यूल फाइंड आउट करने के लिए दूंगा तो ये मॉड्यूल आपको कैलकुलेट करना चाहिए करते आना चाहिए। बाकी जो इसके जो आगे के स्टेप है या इस क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको बताऊंगा डिजाइन स्टेप में कैसे फॉलो अप करना है तो वहां से आपका ये जो है ये आपका जो स्टेप है मतलब मॉड्यूल को पहले इवेल्युएट करोगे फिर मॉड्यूल में जो राउंड फिगर में जो आ रहे हैं उस 5 को लेते हुए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इवेल्युएट करना है। मॉड्यूल को लोगे तो ये डीपी डैश कैलकुलेट होगा डीपी डैश कैलकुलेट हुआ तो ये पीटी कैलकुलेट होगा इसके बाद फिर वेलोसिटी पिछले वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे ये डीपी डैश से इस वी वेलोसिटी से पिछले वेलोसिटी से सीवी फाइंड आउट करोगे ये सीवी और इससे आप सीएस अपॉन सीवी इनटू पीटी करोगे पी इफेक्टिव फाइंड आउट करोगे और पी इफेक्टिव और एसबी अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है मॉड्यूल इनटू बी इनटू सिग्मा बी इनटू वाई से तो उससे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करोगे एसबी अपॉन पी इफेक्टिव करोगे उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है यहाँ देखो ये मैंने आपको लिख के दिया हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एसबी अपॉन पी इफेक्टिव और एसबी इज इक्वल टू कहां से लिए हुए ये एस बी आपने यहाँ से लिए हुए दैट इज इक्वल टू कहाँ ये लुईस फॉर्म फैक्टर में दिया हुआ है लुईस फॉर्म फैक्टर में आपको यहाँ पर एस बी दिया हुआ है एम इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू वाई ये एम इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू वाई से एस बी निकालोगे और ये जो एस बी है इस फॉर्मूले में आप सेटिस्फाई करोगे कि ये जो आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एस बी अपॉन पी इफेक्टिव और पी इफेक्टिव आप कहाँ से निकालोगे सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी से आप पी इफेक्टिव निकालोगे। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेकर 2 के आसपास नियर अबाउट है तो आपने जो मॉड्यूल लिया है वो आपका सही है समझे आप गियर डिजाइन में पिनियन डिजाइन में आप समझ में आ रहा है आपको यस सर। तो वो क्रॉस चेक करोगे यहाँ पर जब ये पहले स्टेप में आप क्या करोगे मॉड्यूल इवेल्युएट करोगे मैंने पहले स्टेप में जेड मिनिमम निकाला साइन स्क्वायर 2 अल्फा से जेड मिनिमम जेड जी निकाल लिया फिर एम टी निकाल लिया फिर ये लुईस फॉर्म फैक्टर डेटा बुक से निकाला फिर ये सी एस निकाला फिर ये सी वी मैंने एज्यूम किया 3/3 प्लस वी अगर 5 है लेस देन 5 में नहीं दिया है तो इन सब की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मॉड्यूल निकालने में। इसके पहले जो ये जो चीज है ये जो फॉर्म फैक्टर है ये वाई यहाँ पर देखो ये वाई यहाँ पे इन सब की जरूरत पड़ेगी मॉड्यूल निकालने में। मॉड्यूल निकालते हैं तो 4.16 आ रहा है मैं एज्यूम करता हूँ ट्रायल इन ईयर में कि पहले मैं मॉड्यूल को लेके चलता हूँ 5 के अकॉर्डिंग डीपी डैश डीजी डैश पीटी वी सीवी इफेक्टिव निकालूंगा फिर उसको एसबी में डिवाइड करूंगा।
अगर मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेके 2 के बीच में नहीं आ रहा है, अगर ज्यादा आ रहा है तो मैं मॉड्यूल को बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट मॉड्यूल में चेक करूंगा 6 mm पर, फिर अगर उसमें ट्रायल एंड एरर चेक करूंगा, उसमें अगर मॉड्यूल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा 1.5 से लेके 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं, अगर उसमें भी ज्यादा आ रहा है तो मॉड्यूल में फिर बढ़ा दूंगा, मॉड्यूल में ले लूंगा 7 mm, फिर ट्रायल एंड एरर चेक करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, अगर उसके रेंज के बराबर आ रहा है तो ठीक है, और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर मैं ट्रायल एंड एरर में मॉड्यूल इज इक्वल टू 8 mm लूंगा, और फिर डीपी डीजी कैलकुलेट करूंगा, पीटी ये सब कैलकुलेट करूंगा, एसबी कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद अगर मेरा यहाँ पर अगर ये जो सेटिस्फेक्शन है एसबी अपॉन सीएफ पी इफेक्टिव सेटिस्फाइड हो जाता है, तो मैं मान के चलूंगा कि 8 mm का मॉड्यूल जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मॉड्यूल हमारा 8.8 है, हमारा डिजाइन सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो मॉड्यूल है पहले टर्म में मॉड्यूल इज इक्वल टू 4 आया, लेकिन दूसरे टर्म में आपको 8 mm आ रहा है, मतलब जब हम सेटिस्फाई करते हैं ट्रायल एरर मेथड में 4.16 के अराउंड मैंने मॉड्यूल जो है 5 ले लिया, ये सेटिस्फाई कर लिया है, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.10 आया, यानी कि मेरा जो ये जो डिजाइन है सेफ है, क्योंकि इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो है मैंने जो ट्रायल एंड एरर चेक किया मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पिनियन का वो सेफ कर रहा है, सेटिस्फाई करना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। यहाँ तक स्टेप समझ में आए आपको? ये ट्रायल एंड एरर क्यों करते हैं समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन को बीबी भंडारी देख लेना, और मिड टर्म में मैं यहाँ पर मॉड्यूल तक के दूंगा, वो जो इसके जो फाइनल स्टेज नहीं दूंगा। डेटा बुक में देखो, यहाँ पर कुछ डेटा बुक है, यहाँ जेयूटी सिलेबस को फॉलो अप करता है, ये अब्दुल्ला शाही जेयूटी झारखंड में चलता है, तो यहाँ के लिए ये डेटा बुक के अकॉर्डिंग इस पर गियर के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, लुईस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा बी पी सी इंटू वाई सिग्मा यहाँ पर दिया हुआ है, सिग्मा बी बी एम वाई इंटू बी इंटू मॉड्यूल इंटू वाई इंटू सिग्मा दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने के लिए, एस बी का फॉर्मूला यही है, सीवी के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि सर अगर 8 m/s तक का अगर वेलोसिटी है तो यहाँ से सिग्मा जीरो सीवी सीवी कितना ले सकते हो आप यहाँ पर 3.05/3.05+V, और बीबी भंडारी में 3 लिया हुआ है, इसने 3.05 लिया हुआ है, तो यहाँ से ये ले सकते हो। अगर वेलोसिटी 13 m/s है तो मैं यहाँ पर 4.58 ले सकता हूँ डिवाइड बाई 4.58+V, बीबी भंडारी में 6 लिया हुआ है तो यहाँ पर आप ले लेना 4.58, तो ये 13 m/s के अकॉर्डिंग दिया हुआ वेलोसिटी ले सकते हो, तो उसका फॉर्मूला ये है डेटा बुक में। ठीक है, ये आपका अगर वेलोसिटी अगर आपका 13 m/s से ज्यादा है तो 5.55/5.55+√V, यहाँ पर बीबी भंडारी में सेम यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो उससे आप यहाँ से ये चूज कर सकते हो बार्ट फॉर्मूले में सीवी के लिए। विड्थ ऑफ द फेस क्या है, 9.5 से लेकर के 12.5 यहाँ बता रहा है, डेटा बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 9.5 से 12.5 के बीच में तो 10 ले सकते हैं 9.5 के अराउंड राउंड ओवर में। सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई डी बाई एन, या आप चाहो तो डी सर्कुलर पिच जो है उसका यहाँ पर डायमीटर पाई डी बाई एन है। मॉड्यूल कितना होता है 1/PD, और ये जो है पी सी इंटू पी डी करोगे तो पाई निकल जाएगा, इससे यहाँ से आप इस फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो अगर आप पी डैश इज इक्वल टू मॉड्यूल इंटू जेड होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तो पी सर्कल डायमीटर को इवेल्युएट करने के लिए। लुईस फॉर्म फैक्टर का ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ ये देखो आपका डेटा बुक में ये वाला देखो फॉर्म फैक्टर लुईस फॉर्म फैक्टर के लिए वो फॉर्मूला वैल्यू दिया हुआ है। लुईस फॉर्म फैक्टर जो है एक्सटर्नल गियर 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए यहाँ पर लुईस फॉर्म फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर मेरा 18 टीथ था तो देखो ये कितना दिया हुआ 0.308, और मैंने 0.308 ही लिया था, ये 0.308 यहाँ से चूज किया था मैंने, ये लुईस फॉर्म फैक्टर को लेने के लिए फॉर्मूला है, आप यहाँ से डेटा बुक से ले सकते हो लुईस फॉर्म फैक्टर का। अगर आपका नंबर ऑफ टीथ अगर मान लो अगर ज्यादा निकलता है तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ अगर 20 लेते अगर 20 इवेल्युएट करते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखो कितना 0.302 लेते 0.320 लेते, ये कैपिटल वाई की वैल्यू लुईस फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है, ये डेटा बुक से आप इसको यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, ये मॉड्यूल का था, ये इसका था, अब लुईस इक्वेशन फॉर स्ट्रेंथ के लिए कितना है ये आपका यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो यहाँ पर केएस दिया हुआ है, यहाँ पर ये केएस जो है सर्विस फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ केएस इसके लिए भी आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, 50 फॉर्मूला दिया हुआ है, और आप चाहो तो यहाँ से डेटा बुक से आप 15.5 से निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो P
पीडी जो है जो आपको बकिंगहम डायनेमिक लोड है उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है 21 वेलोसिटी एफ पी टी प्लस सी बी डिवाइड बाई 21 वेलोसिटी रूट ओवर पी टी प्लस सी बी। यहाँ से आप बकिंगहम डायनेमिक लोड का पीडी निकाल सकते हो। ये सी जो है उस सी को आप कहाँ से निकाल सकते हो, ई ईरर डिवाइड बाई के वन अपॉन सॉरी के वन इंटू ब्रैकेट में वन बाई ई वन वन बाई ई टू। और ये जो ई जो है कहाँ से निकाल सकते हो, डेटा बुक में दिया हुआ है, ई के लिए ग्राफ दिया हुआ है, पिच लाइन वेलोसिटी वी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से ई को आप चूज कर सकते हो। ईरर जो है 0.025 ईरर ले सकते हो, अगर यहाँ पर 1000 के अकॉर्डिंग आ रहा है तो 1000 के अकॉर्डिंग ये 0.025, अगर 600 है तो 600 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0.025 ये जो ले सकते हो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो यहाँ पर 400 आ रहा है तो 0.050 ले सकते हो ईरर को। ये डेटा बुक में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डेटा बुक में ईरर का फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे सी निकलेगा, उस सी को यहाँ बकिंगहम डायनेमिक लोड में पुट करोगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो बकिंगहम डायनेमिक लोड को याद करने के लिए थोड़ा सपोर्ट है, यहाँ से आप ये चूज कर सकते हो। यहाँ से देखो ये एफ टी सी थ्री सी वी वेलोसिटी 3.04 डिवाइड बाई 3.05 प्लस वी, बी का वैल्यू 6 मॉड्यूल से लेकर 8 मॉड्यूल ले सकते हो। वीयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है डीपी इंटू बी इंटू के इंटू क्यू, और के का फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर। क्यू का फॉर्मूला क्या ले सकते हो, 2 इंटू एनजी डिवाइड बाई एनपी प्लस एनजी। तो यहाँ से ये सब आप ये डेटा बुक से एडॉप्ट कर सकते हो। तो इतना क्लियर है आपको डिजाइन के लिए? यस सर। ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा अगर आप लोग ट्राई करोगे तो। Yes, sir. Kundan Kumar.